Hello everyone, welcome to the channel Fanatical Traveler. First of all, let me tell you something about who I am. So, by profession, I am a web developer, but since I travel a lot, I thought why not make videos as well. So, here is a one. This is my first blog that I am trying to correct which actually gone wrong while shooting the clips. सो हुआ यू कि व्लॉग के लिए मैंने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो प्ले किया तो उसमें मेरी आवाज़ से तेज़ चितकुल की हवा की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई. देन आई थॉट जब इतनी मेहनत करी ही है तो वॉइस ओवर ही दे देती हूँ, सो दैट The travelers who are planning to visit Chitkul can get clear idea for their trip. So, let's get started. जब आप शिमला से थोड़ा सा आगे निकलोगे तो आपको ऐसे रोड्स दिखेंगे जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपके साइड से ब्रिजेस निकल रही हैं जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर विलेजर्स को जाने में हेल्प करते हैं, ताकि उनका एफर्ट मेन रोड से जाने में सेव हो पाए. इसके बाद ही रामपुर बस स्टैंड आ जाता है, और रामपुर पे हमने एक ब्रेक लिया था. रामपुर के बाद हमने दूसरा ब्रेक लिया करचम पे, जहाँ पे हमने बस को भी चेंज किया. जैसे कि अब आप देख सकते हो, हम पहुँच चुके हैं रामपुर बस स्टैंड पे. यहाँ पे बस ने आई थिंक हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, और ये हमारा था ब्रेकफास्ट टाइम, बिकॉज यहाँ पर हम पहुँचे थे समवेयर अराउंड 10 AM. उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर इधर उधर व्यूज़ देखने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद, हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हुई करचम तक के लिए. ये बस स्टैंड माउंटेन्स के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में. इस बस स्टैंड को सिर्फ माउंटेन्स ही सराउंड कर रहे हैं. आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से भी दूर वो पहाड़ पे स्नो दिख रहा होगा. अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, रामपुर से आगे निकलते ही कल्पा वैली की रोड्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम वर्ल्ड की डेंजरस रोड्स में देखते हैं. अब जो रोड इस वीडियो में आप देख रहे हो, ये कल्पा डिस्ट्रिक्ट के आगे की रोड है. इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाने पे आपको किन्नौर गेट दिखेगा, जो एक्चुअली एक माउंटेन से काव करके बनाया गया है, जिसमें आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माउंटेन्स के अंदर का टनल दिखेगा, जो बहुत फेमस है. आप गूगल पे भी उसे चेक कर सकते हो. तो अब चलते हैं मेरे ट्रिप की डिटेल्स की तरफ. वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने शिमला से स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले ना ही व्यूज़ थे ना ही लाइट थे, बिकॉज़ हमारी बस की टाइमिंग 8 PM थी. द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चितकुल इज़ 588 किलोमीटर, एंड आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स कवर्ड दिस डिस्टेंस इन वन गो वाया HRTC बस. दो देर इज़ नो डायरेक्ट बस टू चितकुल, यू कैन ओनली बुक बस टिकट फ्रॉम दिल्ली टू रिकॉन्गपियो. दिल्ली से रिकॉन्गपियो की बस आपको काश्मीरी गेट से मिलेगी, जो 8 PM शार्प पे निकलती है, और रिकॉन्गपियो 6 PM तक पहुँच जाती है. मैंने भी 8 बजे वाली बस ली इन INR 105, जिसने बीच में बहुत से ब्रेक्स लिए, जैसे
चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, सांगला, और रास्ते में हमें पता चला देयर इज नो पॉइंट गोइंग टिल रेकोंगपो एज द सेम बस विल गो टिल रेकोंगपो एंड देन कम बैक टू कचम अगेन हेडिंग टूवर्ड्स टू चितकुल विच वुड टेक अबाउट 2 hours एक्स्ट्रा. तो हमने डिसाइड किया हम कचम पे बस चेंज करेंगे इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू रेकोंगपो एज वी प्लान्ड अ शॉर्ट ट्रिप फॉर चितकुल ओनली. बट इफ यू हैव मोर हॉलीडेज इन हैंड देन यू कैन गो एंड विजिट द नियर बाई विलेजेस लाइक कचम, कल्पा, रेकोंगपो, सांगला एंड बदसेरी एज वेल. किन्नौर वैली और द रोड्स टू चितकुल स्टार्टिंग फ्रॉम कल्पा gives breathtaking views and scary cuts or turns at the same time as the roads are carved out of mountains just like Kinnaur Gate. There were so many bridges we found on our way and this is the one of them after which we reached Karcham. On right of this board you will see Karcham Wangtu hydroelectric plant and we had to go over this bridge to reach Chitkul. After traveling for about 19 to 20 hours in a bus, we reached Chitkul at 6:30 p.m. next day. थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला सनी स्नो पॉइंट विद अ वेरी गुड डील ऑफ 1000 रुपीज पर डे. और अगर आपके साथ और भी फ्रेंड्स हैं तो ये डिवाइड भी हो जाएगा. थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने डिनर किया और फर्स्ट डे इतना ट्रैवल करने के बाद सो गए. तो ये थी डिटेल्स चितकुल तक के सफ़र की. स्टे ट्यून्ड फॉर द डिटेल्स ऑफ सेकेंड डे इन चितकुल. टिल देन प्लीज शो सम लव टू द वीडियो, लाइक, कॉमेंट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल.